अब आपको एक्टिंग भी पसंद आना शुरू हो गई आप काम भी कर रही थी साथ साथ पढ़ भी रही थी इंडस वैली भी और कराची यूनिवर्सिटी से बाद में आर्ट्स भी किया आपने, सब कुछ चल रहा है। इस बीच में आपने मनीषा कुराला के साथ जाके डियर माया फिल्म कर ली ये, ये ये अब ये मुझे समझाएं कि ये एकदम कैसे हुआ उस लड़की के साथ जो कि क्या बीस इक्कीस साल की बच्ची है And no connections, zero, connection. zero connections, no management, yeah. no PR, no publicist, <laughs> no manager. Huh. How Moment does off. this happen? Because this is really interesting now, Madhya. Yeah, it was, it was very funny. And I remember I was, I was making, I think my father's breakfast and I got a call and somebody said, I'm calling from uh, India and we would like to speak to you regarding a film. And I thought it was a prank call. So I hung up and I was like, okay. ज अली मैंने रॉक स्टार जैसी बड़ी बड़ी फिल्म की है और मैं अपनी पहली मूवी बनाने जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा फिर होश आया है मैंने कहा कि ये बॉलीवुड की फिल्म जी जी तो मैंने कहा फिर मेरे दिमाग में आया कि इजाजत तो मिलेगी नहीं मैं नहीं कर सकती तो पढ़े आप सुने तो नरेशन तो सुनेटेड टू मी दी वॉज वेलर बिक नो शी है तो उसको पता था कि शायद ये नहीं, नहीं कर पाएगी इस तरह की तो द नेचर ऑफ द फिल्म वो सच कि मैं फॉरन ही मैं no. हाँ कर देती आई आस्ट हर कि आपको मेरा कॉन्टैक्ट कहाँ से मिला सोच टोल्ड मी आई वॉज लुकिंग फॉर न्यू फेसेस सो आई वेंट ऑन टू एम टी वी इंडिया एंड आई वॉज लुकिंग फॉर फोर वीजेस की कोई ऐसा नया चेहरा मुझे मिल जाए जो कभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा गया हो तो मुझे आपका चेहरा नज़र आया Little did I know, कि नीचे MTV है लिटिल डिड आई नो के नीचे एम टी वी पाकिस्तान देखा है तो आई डेंट आई डेंट मैंने देखा ही नहीं वो और मैंने कहा कि मुझे ये लड़की चाहिए और मैंने प्रोड्यूसर को बोल दिया दैट शीज माय आना लेटर बी फाउंड आउटी पाकिस्तान की लिंक है बट आई वॉज अगर वो इम्तियाज अली के साथ करती होंगी काम तो एडमिन तो होंगी so said, uh, मैं करती थी मैं लंडन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पढ़ती थी वहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़का था जो यहाँ पे डॉन न्यूज में काम करते थे मैंने उसको कॉल किया मैंने कहा मदीखा माम नाम ना, आप नंबर ढूंढा देंगे मुझे ए आर वाई कॉल आई थी बीच में डॉन न्यूज़ से आपका नंबर मांगने दे दें मैंने कहा डॉन यूज इज अस ए आई वाई टू टेक केयर ऑफ मी नंबर नहीं देते थे मेरे ऐसे तो नंबर दिया उन्होंने उनसे कनेक्ट किया शी कनेक्टेड विद मी एंड फिल्म कैन यू इमेजिन अमेजिंग मुझे थोड़े से गुजबंस भी आ गए कि ये किस्मत तकदीर जो हम बात करते हैं yeah. अगर इंसान की किस्मत में कोई चीज हो yeah. मतलब हम एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं उस टाइम पे वांटेड टू

वीडिटेड ओन हर स्टैकेस वहाँ बैठ के मैंने डायलॉग्स बोले एंड द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर दे लव्ड इट तो उन्हें मुझे बुलाया एक रीडिंग सेशन के लिए बुल मनीषा मैम आम दैट वाज अलसो सो क्रिएट वाज सो प्रोफेशनल आई लव एंड एवरीबडी इज सो ऑर्गानाइज्ड इट वाज इनक्रेडिबल वी डिड द इंट <laughs> जी अकेली गई अच्छा इस, इस केस के में मम्मी अब्बू ने किसी ने भी निकाला नहीं no, um, क्योंकि हमारी फैमिली है वहां पे तो माय मॉम वाज अ लिटिल वुथ मिननथ ऑन को लेकिन अभी कभी-कभी अम्मा सोचती है तो बोलती है मैंने जाने कैसे दिया बट आई थिंक इट वाज मेंट टू हैपन तो बंबई में भी फैमिली थी आपकी um, नहीं दिल्ली में थी दिल्ली में है

i went there and i was just enjoying and i remember we were in shimla and my director she called me and she said you know how many girls have auditioned for this and she was giving me like Mu, mujhe, mujhe taunt thi because laga hoga." So I said, how many girls auditioned she said 280 girls and you were the 281th first one first girl who got um, the role Selected. and and what are you doing and i was like no i was having my coffee and whatever i was in some other zone enjoying my sardi or anything

उंगली पे पॉइंट करके कैरी उंगली से अपने मॉनिटर पे दिस वंस माय फेवरेट तो ऑब्वियसली वहां पे आपको एक आपका पहिया चल चुका होगा वहां पे चला था या नहीं चला हां बिकॉज़ आई आई रिमेंबर कि वो वहां पे आई थिंक कॉन्ट्रैक्टचुअली चीजें हो जाती हैं दैट यू गेट एन एजेंट राइट अवे सो देयर वर पीपल उधर आपको एजेंट मिली हां आप फौरन वहां पे फौरन हो गया था कि डू यू वांट यू वांट टू बी अंडर दिस पर्सन दैट पर्सन बिकॉज़ देन दे गेट योर वर्क एंड देन दे टेक देयर ओन कुछ होता है वहां सिलसिला ऐसा था कि तो फौरन I think होने से से हो गया था। मुझे फॉर पता चल गया था सलमान खान इज मेकिंग सनी या बॉबी इंट्रोड्यूस कर फरहान अख्तर की कोई फिल्म लंडन में हो रही थी उसकी मुझे कॉल आई नाज लाइक this is so cool and you know but ha wo thoda momentum break hua tha because of the halaat halaat ki wajah se and um, i i remember mujhe bataya gaya tha kapil sharma show mein is movie ko release karne ke liye promotions ke liye ja rahe the like hai allah mujhe itna dil cha raha tha jaane ka but i couldn't go because i was back um pakistan aa gayi thi so i think nahi jitna jo kuch whatever part that i got to play it was fantastic. in hindsight no regrets whatsoever no, no. kya ke yun ho jata to aisa hota ya अभी भी मेरी सुनैना से बात होती है वो इंस्टाग्राम पे मुझे कभी कभी मैसेज करती है तो वो कहती है कितना वक्त गुजर गया यार इट्स बिन सो लॉन्ग एंड यू लुक आई मीन लुक एट यू यू लुक सो डिफरेंट तो जो भी मेरे ब्राइडल के थोड़े से गेटअप होते हैं कहती यू यू डोंट डोंट लुक लाइक दैट